हेलो फ्रेंड्स, पायल आईएएस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मिजर मेला। देवभूमि हिमाचल में देवी देवताओं का वास कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं काफी अलग है। यूं तो प्रदेश भर बहुत से मेले, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन शिवभूमि चंबा का मिजर मेला प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। चंबा शहर राजा शालीन वर्मन द्वारा उनकी बेटी राजकुमारी चंपावती के कहने पर रावी नदी के किनारे बसाया गया था, इसीलिए इस शहर का नाम चंबा रखा गया था। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। यह मेला श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरू होकर सप्ताह भर चलता है। आइए देखते हैं नाम कैसे मिला इसको। स्थानीय लोग मक्की और धान की बालियों को मिजर कहते हैं। इस मेले का आरंभ रघुवीर जी और लक्ष्मी नारायण भगवान को धान और मक्की से बना मिजर या मंजरी और लाल कपड़े पर गोटा जड़े मिजर के साथ 1 रुपया, नारियल और ऋतु फल भेंट किए जाते हैं। इस मिजर को एक सप्ताह बाद रावी नदी में प्रवाहित किया जाता है। मक्की के कोपलों से प्रेरित चंबा के इस ऐतिहासिक उत्सव में मुस्लिम समुदाय के लोग कोपलों की तर्ज पर रेशम के धागे और मोतियों से पिरोई गई मिजर तैयार करते हैं, जिसे सर्वप्रथम लक्ष्मीनाथ मंदिर और रघुनाथ मंदिर में चढ़ाया जाता है और इसी परंपरा के साथ मिजर महोत्सव की शुरुआत भी होती है। आइए देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। शाहजहां के शासनकाल के दौरान सूर्यवंशी राजा पृथ्वी सिंह रघुवीर जी को चंबा लाए थे। शाहजहां ने मिर्जा साफी बेग को रघुवीर जी के साथ राजदूत के रूप में भेजा था। मिर्जा साहब जरी गोटे के काम में माहिर थे। चंबा पहुंचने पर उन्होंने जरी का मिजर बनाकर रघुवीर जी, लक्ष्मी नारायण भगवान और राजा पृथ्वी सिंह को भेंट किया था। तब से मिजर मेले का आगाज मिर्जा साहब के परिवार का वरिष्ठ सदस्य रघुवीर जी को मिजर भेंट करता है। इससे सिद्ध होता है कि चंबा और संपूर्ण भारत धर्म निरपेक्ष था। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार आज भी मिर्जा परिवार के सदस्यों द्वारा मिजर तैयार कर भगवान रघुवीर को अर्जित किया जाता है, जिसके बाद ही विधिवत रूप से मिजर मेले का आगाज होता है और मौजूदा समय में भी इस परिवार का वरिष्ठ सदस्य इस परंपरा को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। आइए देखते हैं मेले की परंपरा। मिजर मेले में पहले दिन भगवान रघुवीर जी की रथ यात्रा निकलती है और इसे रस्सियों में खींचकर चंबा के ऐतिहासिक योगान तक लाया जाता है, जहां से मेले का आगाज होता है। भगवान रघुवीर जी के साथ आसपास के 200 से ज्यादा देवी देवता भी वहां पहुंचते हैं। मिर्जा परिवार सबसे पहले मिजर भेंट करता है। रियासत काल में राजा मिजर पहले में मेले में ऋतु फल और मिठाई भेंट करता था, लेकिन अब यह काम प्रशासन करता है। उस समय घर घर में ऋतु गीत और कुंजड़ी मल्हार गाए जाते थे। अब स्थानीय कलाकार मेले में इस परंपरा को निभाते हैं। मिजर मेले की मुख्य शोभा यात्रा राजमहल अखंड चंडी से चौगान से होते हुए रावी नदी के किनारे तक पहुँचती है। यहाँ मिजर के साथ लाल कपड़े में नारियल लपेट कर 1 रुपया और फल मिठाई नदी में प्रवाहित की जाती है। आइए देखते हैं भैंसों की बलि दी जाती है। 1943 तक भैंसे की बलि दी जाती थी। इसके अनुसार जीवित भैंसे को नदी में बहा दिया जाता था और यह आने वाले साल में राज्य के भविष्य को दर्शाता था। अगर पानी का बहाव भैंसे को साथ ले जाता था और वह डूबता नहीं था तो उसे अच्छा माना जाता था और माना जाता था कि बलि स्वीकार हुई। अगर भैंसा बच जाता और नदी के दूसरे किनारे चला जाए तो उसे ढी अच्छा माना जाता था कि दुर्भाग्य दूसरी ओर चला गया। अगर भैंसा उसी तरफ वापस आ जाता था तो उसे बुरा माना जाता था। अब भैंसे की जगह सांकेतिक रूप से नारियल की बलि दी जाती है। विभाजन के बाद पाकिस्तान गए लोग भी रावी नदी के किनारे मिजर प्रवाहित करते हैं और कुंजड़ी मल्हार गाते हैं। 1948 से रघुवीर जी रथ यात्रा की अगुवाई करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।